हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सेलुलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया और स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी स्टडी किया। हमने देखा कि ये रेस्पिरेशन एक ही सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन को इंट्रा सेलुलर प्रोसेस कह सकते हैं। इंट्रा यानी एक ही सेल के अंदर, इंट्रा मींस विद इन वन सेल, एंड सेल्यूलर मींस द सेम, दैट इज द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस ओनली विद इन वन सेल, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इंट्रा सेल्यूलर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोसेस। Now, what is catabolic process? You may have to appear with the term metabolism. And if not, then we are taking here some basic with metabolism. Suppose this is a cell and this is the cytoplasmic area. Organelles are also present in eukaryotic cell, but let us consider in the cytoplasm of cell various different chemical reactions are taking place. ये सेल के लिविंग होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर सेल में रिएक्शन होती है तो वो सेल लिविंग कहलाएगा, अगर रिएक्शन ऑकर होने स्टॉप हो गई तो सेल डेथ कहलाएगा। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सेल में जितनी रिएक्शंस होती हैं उन सभी रिएक्शंस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। मेटाबॉलिज्म, एसएम आखिरी में आता है, मतलब ये एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, इस सेल में केमिकल रिएक्शन अलग अलग पैटर्न की हो सकती है। एग्जाम्पल, ए प्लस बी, इन दिस केस A and B are two small substances. This A and B get combined with each other and give rise to a big substance which is called as AB. It is an example. तो इस example में, इस reaction में आपको क्या सीखने को मिलता है? हम लोगों को यह सीखने को मिलता है इस reaction में कि भाई दो छोटी छोटी चीजें combine होती हैं और एक बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म करती है। मतलब यहां पर इस बड़े प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दिस कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक टर्म ध्यान से देखिएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी एक रिएक्शन है तो उसको मैं नाम दिया एनाबॉलिक रिएक्शन। बट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एनाबॉलिक रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑल दीज एनाबॉलिक रिएक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज एनाबॉलिज्म। सी को मिटा रहा हूं मैं यहां से, एंड आई एम राइटिंग एस एम, दैट इज प्रोसेस। So anabolism is sum of all the constructive reaction occurring in the cell. In spite of this, some reactions are taking place in the cytoplasm of the cell in such a way that suppose this is CD. ये एक substance है, substance का नाम है CD. इस substance को cell ने break down किया, cell ने तोड़ दिया और result में आपको दो छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिले सी प्लस डी। तो अभी आपको इस रिएक्शन से क्या सीखने को मिलता है? आपको यह सीखने को मिलेगा कि भाई एक बड़ा सब्सटेंस था जिसका नाम था सी डी, उसको ब्रेक किया गया, सी और डी दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मींस द बिगर सब्सटेंस गेट ब्रोकन डाउन। यस, बिगर सब्सटेंस गेट स्प्लिटेड और ब्रोकन डाउन into two small substances. This is the breaking process, that is destructive process, and the
सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड मेनी कैटाबॉलिक रिएक्शन इज आर कलेक्टिवली नोन एज कैटाबॉलिज्म. तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन होते रहती हैं. बहुत सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस होगी, बहुत सारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होगी. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक सभी को मिलाकर के कलेक्टिव नाम क्या दिया जाएगा? मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इन सिंपलेस्ट वे? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और इन द ऑर्गेनेल आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो दिस सेलुलर रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोसेस. So what does actually it mean? It means that when we eat the food material, that food is made up of carbohydrate, food may be made up of fat, it may be made up by protein, vitamins are also present in our food and minerals. Many different essential components are present in our diet. जब हम लोग खाना खाते हैं ये डाइट अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सेल में एंटर होता है. एग्जाम्पल, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है आपके बॉडी में रोटी चावल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टमक में गया तो इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है. स्टार्च का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज. ओके, एंड दिस ग्लूकोज GLU मीन्स ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज फॉर्म हो जाएंगे स्टार्च से और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हुआ. जैसे ही ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ तो इस ग्लूकोज का यहां से ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है. इसीलिए हमने कहा कि ये ग्लूकोज जो बाहर से सेल के अंदर आ गया ब्लड में ला करके छोड़ा तो ये ग्लूकोज यहां पर कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या आप इसको रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कह सकते हैं. सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है बच्चों ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज इज इजीली डिफ्यूजेबल इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम द ग्लूकोज एनर्जी कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड आउट. दो रीजन बताए मैं आपको यहां पे कि ग्लूकोज को चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल क्यों कहा जाता है. चीफ यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है ग्लूकोज. क्यों? दो रीजन है. पहला रीजन ये कि ग्लूकोज सेल में इजीली पेनिट्रेट हो सकता है. दूसरा रीजन ये कि ग्लूकोज का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो आसानी से ग्लूकोज में से एटीपी निकल सकती है. इजीली एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द ग्लूकोज, डिफ्यूजेबल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू रीजन ग्लूकोज इज द चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल. जो रेस्पिरेटरी फ्यूल फैट भी हो सकते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं. रेस्पिरेटरी फ्यूल जब साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो उनका ब्रेकिंग होगा एंड दिस ब्रेकिंग प्रोसेस कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. नेक्स्ट थिंग, कैटाबॉलिज्म के बाद इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से देखिए एनर्जी निकलेगी, मीन्स इट गिव द एटीपी मॉलिक्यूल. और किसी भी सब्सटेंस में से एनर्जी का बाहर निकलना ऐसे प्रोसेस को एक्सरगोनिक प्रोसेस कहते हैं. एक्सरगोनिक प्रोसेस मींस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपके पास में तीन टर्म आ गई, इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक एक्सरगोनिक प्रोसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला आपके पास में है C6H12O6. इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा? ब्रेकडाउन ऐसे होगा कि स्लोली हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे, एक एक दो दो हाइड्रोजन निकलते जाएंगे. मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द ग्लूकोज. This removal of hydrogen is called as oxidation. That's why cellular respiration is oxidative process. ये चार वर्ड
सेलुलर रेस्पिरेशन क्या आपको भूलना नहीं है। फर्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक्सर्गोनिक एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और चारों वर्ड का आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पता होना जरूरी है। इंट्रा सेलुलर एक ही सेल में होने वाला प्रोसेस, कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन प्रोसेस, एक्सर्गोनिक एनर्जीज रिलीजिंग आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सबस्टेट, ऑक्सीडेटिव मींस हाइड्रोजन इज रिमूविंग आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सबस्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में होगा क्या कि कुछ और बेसिक मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म आर ऑफ फोर टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज ऑब्लीगेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑब्लीगेटिव का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली दीज ऑर्गेनिज्म रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑटो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक कैटेगरी का नाम है। इस कैटेगरी में जितने ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑक्सीजन मिलने पर ही रेस्पायर करेंगे। ऑक्सीजन अगर उन ऑर्गेनिज्म को ना मिले तो वो किल हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी होती है फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर कुछ कंडीशन के लिए ऑक्सीजन अब्सेंट भी रहा तो ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। मींस दे कैन रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। फिर एक टर्म आती है आपके पास में ऑब्लीगेटिव एनएरोब, एनएरोब और एनएरोबिक। पहले तो ये लाइक करेंगे, पसंद करेंगे कि ऑक्सीजन ना हो, मींस दे आर रिस्पायरिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन कुछ देर के लिए आ जाती है तो ये मरेंगे नहीं, बल्कि उस कंडीशन में यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी तब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्लिगेट का मतलब हमने क्या लिया, स्ट्रिक्ट। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रिक्टली सरवाइव ओनली इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जरा सा भी ऑक्सीजन अगर मिल जाएगा तो वो किल हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एंड लास्ट टाइप इज व्हाट, फैकल्टेटिव एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। मींस दीज ऑर्गेनिज्म आर लाइक टू सर्वाइव, लाइक टू सर्वाइव। इनकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि ऑक्सीजन ना हो तो हम खुशी खुशी जिंदा रहेंगे, दे आर रिस्पायरिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कुछ देर के लिए अगर ऑक्सीजन मिल गया तो भी ये अपने आप को बचाएंगे, रिस्पायर करेंगे। सो दे आर रिस्पायरिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट अंडर लिमिटेड टाइम सिचुएशन दे कैन ऑल्सो सर्वाइव और रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम रेस्पिरेशन का इक्वेशन देखते हैं और डायरेक्ट मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। ये सब चीजें आपके पास में, आप फिर से मैं बता रहा हूं कि आप नोट करके रखिए और इसको याद कर लीजिए हाथों हाथ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन और इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि चीफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट कौन सा होता है। यस, अभी जो मिटाया, एग्जैक्टली ग्लूकोज। और सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि हमने उसका रीजन भी देखा कि भाई सिर्फ ग्लूकोज ही क्यों चीफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट होता है। देखिए, आप अगर ये धुपकाले का सीजन है, अप्रैल मई, आप ग्राउंड पर जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत ज्यादा आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है स्वेट, पसीना निकलने की वजह से। आप जब घर पर आते हैं तो गर्मियों के मौसम में आप घर पर खेल कर आए या आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप लोग बाहर से आने वाले पर्सन को क्या सर्व करना पसंद करते हैं? चाय तो चलती नहीं है धूपकाले में। धूपकाले में सबसे ज्यादा क्या चलेगा? शरबत। एग्जैक्टली, वो भी नींबू का पानी रहे तो मजा आ जाएगा, शकर नमक उसमें रहना चाहिए, रूह अफजा दूसरी चीजें भी है, लेकिन बेसिकली ये शकर नमक का पानी बहुत चलता है। आपने सोचा कभी क्यों? क्योंकि शुगर में बहुत सारा ग्लूकोज होता है। जब सामने वाला पर्सन बाहर से थककर आया, एकदम टायर्ड होकर आया और उसने आपके यहां पर ग्लूकोज पी लिया तो उसमें थोड़ी भी एनर्जी आ जाती है।
दूसरी बात आप देखते हैं कि जब प्लेयर्स ग्राउंड पर खेलते हैं, फुटबॉल का जब मैच होता है, हाफ टाइम जब खत्म हो जाता है 45 मिनट्स के बाद में, तो प्लेयर्स को ग्लूकोज का पाउडर दिया जाता है, ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी खाते हैं और इंस्टेंटली उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब कभी आप मेहमान को दे सॉरी मेहमान बोल रहा हूं बीमार को देखने दवा खाने के अंदर जाते हैं तो उसके लिए क्या लेकर जाते हैं? तो आप कभी भी तला हुआ खाना नहीं लेके जाएंगे, कोई हार्ड फूड लेकर नहीं जाएंगे, आप फ्रूट्स लेकर जाएंगे, एप्पल लेकर जाएंगे, मौसम्बी लेकर जाएंगे, अनानास लेकर जाएंगे, क्योंकि इन फूड्स में क्या कंटेंट होता है? ग्लूकोज। उस पेशेंट में इंस्टेंटली एनर्जी आ जाएगी। नारियल पानी लेके जाएंगे, इंस्टेंटली एनर्जी आएगी, क्योंकि नारियल पानी में भी क्या होता है? ग्लूकोज। आज से 10-12 साल पहले पिछले जमाने के अंदर लोग जब बीमार को देखने जाते थे तो पार्ले जी का पैकेट लेकर जाते थे। उस वक्त 4 रुपए का था पार्ले जी, अभी तो बढ़ गए दाम, 5 का हो गया। तो पार्ले जी क्यों लेकर जाते थे? क्योंकि उसमें क्या है? ग्लूकोज। इंस्टेंटली एनर्जी पेशेंट में इंक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ग्लूकोज इज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके पास है, ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6। ओके, जब ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर गया, शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट गया, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ, ग्लूकोज मोनोमर यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, तो ग्लूकोज ब्लड ने कहां पहुंचा दिया? आपके सेल में। सेल में जाने के बाद कई सारी रिएक्शन परफॉर्म करेगा ये ग्लूकोज, और इसमें ऑक्सीजन भी ऐड होगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, और फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो दीज आर द रिएक्टेंट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज प्लस 6O2। तो यहां पे ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ यस ऑक्सीजन, तो इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ग्लूकोज रेस्पायर एरोबिकली, ग्लूकोज रेस्पायर एरोबिकली। सो अंडर एरोबिक कंडीशन द ग्लूकोज गेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, When one molecule of glucose get broken down into carbon dioxide and water, it is called as complete oxidation of glucose. This process is called as complete oxidation of what? Of glucose. कुछ reactions ऐसे भी होती हैं हमारे सेल में या ईस्ट सेल में, ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक फंजाय का सेल है, YEAST ईस्ट। तो उस ईस्ट में या हमारे बॉडी के मसल सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज कभी कभी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता है, बल्कि ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुविक एसिड में, फिर लैक्टिक एसिड में। ईस्ट में जाने के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में और फिर इथिल अल्कोहल में, and that are not the complete oxidation of glucose, but this is the complete oxidation of glucose. Revise once more, what is complete oxidation of glucose? When one molecule of glucose